माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर वेल एंड हैप्पी। आज मैं आपके साथ विंटर ड्रेसेस में से बचे हुए पीसेस को, किस तरह मैंने छोटे बच्चों के फ्रॉक्स बनाए हैं उसकी डिजाइनिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपको एक एक ड्रेस की डिटेल दिखाती हूँ। इस फ्रॉक का जो पेटी और स्लीव्स है ना, ये मैंने ट्राउजर का फैब्रिक यूज करते हुए बनाया है, और बाकी फ्रॉक का जो घेर है ना, ये शर्ट का फैब्रिक यूज करते हुए उसकी छोटी छोटी कलियां काट के मैंने इसका फ्रॉक का घेर बनाया है। और शर्ट के इस फ्रॉक के जो पेटी है ना, इस पर मैंने शर्ट का फैब्रिक ही लेकर उसकी स्ट्रिप्स लगा दी है, और ये ट्राउजर का जो फैब्रिक था ना, यही इसके फ्रॉक के दरमियान में ना कली की सूरत में मैंने लगा दिया है। उसके ऊपर एक छोटी सी बो बनाकर लगाई और बटन लगा दी है, जिससे ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सेम इसी तरह इस फ्रॉक की बैक पे भी, ये देखिए बैक पर भी मैंने दरमियान में उसी फैब्रिक के ट्राउजर के फैब्रिक की कली डाल दी है, और बाकी तमाम फैब्रिक शर्ट का फैब्रिक यूज कर। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये मेरा विंटर कॉटन का सूट था, उसमें से ये फैब्रिक बचा था, और ये जितना जितना फैब्रिक बचा था मैंने उसी हिसाब से इसकी डिजाइनिंग कर ली। जो छोटा पीस था उसकी मैंने पेटी बना ली, और ये बाकी जो पीस की इतनी ही लेंथ थी, इसकी मैंने दामन बना के नीचे ये फ्रिल लगा दी, और पेटी के ऊपर सीक्वेंस वाली लेस लगा दी है। इसकी बैक पर भी सेम ऐसे ही फैब्रिक यूज हुआ है, पेटी पर कट लगाकर डोरी की लूप्स बनाकर मैंने बटन अटैच कर दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। इस फ्रॉक की जो पेटी है ना, वो फ्रंट शर्ट का फ्रंट लेकर मैंने बनाई है। ये पेटी और ये मिड वाली दोनों कलियां शर्ट का फ्रंट लेकर बनाई गई हैं, और जो साइड वाली कलियां है ना, ये शर्ट की बैक की मैंने बनाई हैं। और इसके स्लीव्स और ये दामन वाली जो फ्रिल लेस है, ये मैंने ट्राउजर का पीस यूज करते हुए बनाई है। और इस शर्ट की भी पेटी के ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर मैंने प्लेट्स यूज करते हुए डिजाइनिंग की है, और उसकी साइड पर मैंने शिटल लेस लगा दी है। इस फ्रॉक का जो ट्राउजर था वो मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक यूज करते हुए बनाया है, और इस ट्राउजर पर भी मैंने इसके बॉटम पर, ये देखिए जो मेरे सूट में से बचा था पीस, वो लगाया और उसके ऊपर ट्राइंगल्स बनाकर लगा दिए हैं, जिससे इस ड्रेस की लुक बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं आपको नेक्स्ट शर्ट दिखाती हूँ। ये मेरी शर्ट में से स्ट्रेट पीस बचा था, और उसकी मैंने स्ट्रेट शर्ट सी ली है। इसकी नेक पर जो है मैंने कंट्रास्ट में पाइपिंग लगाकर नेक बना दी, एक स्क्वायर अटैच कर दिया है। ये स्ट्रेट पीस था तो इसकी स्ट्रेट शर्ट बन गई, और इसके छोटे से मैंने स्लिट रख दिए हैं, और इसके बाजुओं के आगे स्लीव्स के आगे ये देखिए डोरी पाइपिंग अटैच कर दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्रॉक दिखाती हूँ। ये मैंने लीलन का फ्रॉक और ट्राउजर स्टिच किया है। ये वाला फैब्रिक शर्ट का फैब्रिक था, और ट्राउजर के फैब्रिक से मैंने इसके गले पर पाइपिंग लगा दी है, और ट्राउजर का फैब्रिक ही यूज करते हुए मैंने इस फ्रॉक के घेरे पर फ्रिल बनाकर लगाई है। और इस फ्रॉक के स्लीव्स जो हैं वो मैंने चुनट वाले बनाए हैं, और ट्राउजर का फैब्रिक से मैंने अपनी बेटी का ये छोटा ट्राउजर स्टिच किया है, और इसके फ्रंट पर मैंने ये वाला फैब्रिक शर्ट का फैब्रिक यूज करते हुए डिजाइनिंग कर दी है। ये फ्रॉक मैंने बिना पेटी के स्टिच किया है, ये एयरलाइन स्टाइल में फ्रॉक स्टिच हुआ है, और शर्ट के फैब्रिक यूज करते हुए तीन पैनल्स बनाए हैं, और ट्राउजर के फैब्रिक में से मैंने इन पैनल्स के दरमियान में दो कलियां डाल दी हैं, और इसका जो ट्राउजर है वो भी इसी कलर में मैंने इसके साथ स्टिच किया है। और इसके जो स्लीव्स हैं वो मैंने बेबी फ्रॉक्स वाले स्लीव्स बनाए हैं, और स्लीव्स के आगे मैंने ट्राउजर का पीस अटैच कर दिया है। मैंने अपने शर्ट के बचे हुए फैब्रिक से स्टिच किया है। इसकी जो पेटी है ये बैक का फैब्रिक यूज करते हुए मैंने बनाई है, जो मेरी शर्ट के बैक में से फैब्रिक बचा था, और उसके ऊपर कंट्रास्ट फैब्रिक यूज करते हुए इसके गले पर छोटी सी पट्टी लगा दी है। पेटी और बाजू बैक पीस बचे हुए पीस में से बनाए थे, और इसका जो घेर है ना, घेर की जो दरमियान में आप देखिए ये जो दो कलियां डली हुई है ना, ये मैंने फ्रंट में से जो पीस बचा था उसकी डाली है, और साइड वाली बैक में से बचे हुए पीस की डाली है, और फिर इसको पेटी से अटैच करते हुए ऑल ओवर फ्रॉक में मैंने चुनर डाल दी। ये भी मेरी शर्ट में से छोटे छोटे पीसेस बचे थे, तो उनको मैंने जिसे मेरे पास जितना जितना पीस था ना, उस हिसाब से मैंने उसको स्टिच किया है। ये इतना ही चौड़ाई का पीस था, इसकी मैंने पेटी बना ली, साथ स्लीव्स बना ली, और बाकी ये लंबाई में मेरे पास पीस थे, इनकी लंबाई के हिसाब से मैंने इनकी कटिंग करके इसको मैंने फ्रॉक बना लिया है। और फिर बैक पे आप देखिए मैंने एक बटन टेक रखा है, ये देखें, ताकि बच्चों को फ्रॉक बनाने में आसानी हो।
ये मेरी शर्ट में से स्ट्रेट पीस बचा था और उसकी मैंने शर्ट स्टिच कर दी है। इसके गले पर बॉर्डर का मैंने पट्टी लगा दी है, दो बारीक बारीक नफीसी पट्टियां इसके गले पर अटैच कर दी है और इसके दामन पर लेस लगा दी है। और इस शर्ट की बैग देखिए, लाइनिंग में इसकी बैग थी और इसके बैग पर ये मैंने स्टाइलिश सा गुलाई में डिजाइन बना दिया है। और इसके साथ कोई ट्राउजर का मजीद पीस नहीं बचा था तो ये हम जीन्स के साथ या टाइट्स के साथ किसी भी चीज़ के साथ मैच करके ये शर्ट बना सकते हैं जी। ये सर्दियों के कपड़ों के पीस में से मेरा बचा हुआ लास्ट फ्रॉक है और इस पे भी मैंने ये ऊपर पेटी बनाई है और दरमियान में दो स्ट्रेट कलियां डाली हैं और साइड्स पर दूसरी कलियां डाल दी हैं। और इसके जो स्लीव्स है ना वो मैंने बेबी स्लीव स्टिच किए हैं। बेबी स्लीव्स के ये शोल्डर के साथ इस जगह पे चुनट होती है और ट्राउजर का पीस अटैच करते हुए मैंने आगे ये पीस अटैच करके इसकी फिटिंग कर दी है। और इस फ्रॉक की बैक पे भी देखें ये पेटी पट्टी रखी है और एक टिच बटन लगा दिया है ताकि बच्चे को पहनाने में आसानी रहे। आपको मेरी डिजाइनिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी डिजाइनिंग पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।